कहाँ हम जात पात करते हैं, कहाँ अन्याय किया। चार बांस चौबीस गजा अंगुल प्रमाण ताऊ पर चौहान है मत चूको चौहान। हमारे पासवान रविदास मुरहर चमार गरीबती पिछड़ा नुनिया हजाम के लिए मंडल कमीशन लगाया था। हम जो है राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र के लिए मरते हैं और जीते हैं। हमारा धन हमारा नहीं है, पूरे देश का है। हमारा जान हमारा नहीं है, पूरे देश का है। हमारा राजनीतिक सत्ता हमारा नहीं है, जिसकी साक्षात उदाहरण विश्वनाथ प्रसाद सिंह जनता दल का जब सरकार था, उन्होंने मंडल कमीशन लगा करके बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को अगर क्रियान्वित किया तो वह बीबी सिंह हुए। माल जो आज से अंग्रेज ने डिवाइड एंड रूल किया था, ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ये यादव है, हर घर घर में ठाकुरबाड़ी है। ठाकुरबाड़ी माने विष्णु जी, वहाँ पर श्री राम और कृष्ण जी ठाकुर हैं, उनके हम वंशज ऐसी हम ठाकुर हैं हुआ है। एक शूद्र का लिखा हुआ रामायण को एक पंडित और ब्राह्मण और उनको संरक्षण कर रहे हैं। अगर हम वंशवादी होते तो वाल्मीकि जी को रामायण नहीं लिखते, वाल्मीकि जी का लिखा हुआ जो भंगी है वो भंगी जात से है, शूद्र है, और उनकी रामायण को हम पढ़ते हैं। से लड़ा है उससे छीना है, अस्सी वर्षों के हड्डी में जागा जोश पुराना था, बाबू वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर दाना था। हमने 100 में 80% दान कर दिया, फिर भी हमको कहता है ठाकुरों ने क्या किया, क्या किया। इतिहास के पन्नों में देखिए, चवरवंशीय चमार हमारा है, गहलौतिया पासवान हमारा है, कुर्मवंशीय कुर्मी हमारा है, कुशवाहा हमारा है। हाँ चलिए, आप जो है रवानी कहार जो है चंद्रवंशी हमारा है, जो यदि खराब होगा, अगर हम जनसंख्या कम किए मान लिया जाए तो हमको तो इनाम देना चाहिए। अच्छा। तो हमको तो हरकार रहा है कि आपको रिजर्वेशन कम करे तो हम जनसंख्या बढ़ाएंगे, तब देश क्या होगा, तबाह और बर्बाद होगा। अभी हम मौजूद है पटना के ज्ञान भवन में, ये सम्मान रैली है यहाँ पर, और ये लोग पटना के सड़कों पर भी अपना प्रदर्शन कर चुके हैं। आज जो क्षत्रिय सम्मान रैली किया गया है, इसका मुख्य पर्पस क्या है? सम्मान इसलिए किया गया है, कुछ संगठन करता, कुछ राजनीतिक दल किसी विशेष जाति हमको बार बार टारगेट करके सामंती कहा जा कहते हैं, और यह कहते हैं कि इनके पूर्वज जो है दलितों महादलितों को कुचलने का काम किए थे, जबकि यह बिल्कुल अनुचित है। हम चलते हैं हम चलते हैं सतयुग में, सत्यहरी चंद्र थे जो डोम के यहाँ नौकरी किए हैं। अच्छा। डोम के यहाँ नौकरी, डोम के यहाँ भोजन किए हैं, डोम के दिया हुआ खाए हैं। जब राजा सत्यहरी चंद्र जब नहीं किए तो हम करेंगे। अब चलिए त्रेता में, भगवान राम सेबरी माता मुसहर माता के साथ भोज जूठा बैर साथ तो छोड़िए जूठा बैर के धोबी को सम्मान किए हैं, धोबी के कहने पर उनको सम्मान के लिए सीता का त्याग किए हैं। हमारे श्री राम कोल भील लाल निषाद को गले लगाए हैं। हमारे श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खाए थे, सुदामा का तीनों त्रिलोक दिए। कहाँ हम जात पात करते हैं, कहाँ अन्याय किए हैं। तब जो ये लोग कह रहे हैं उन्हें हिस्ट्री नहीं पता है, उसको हिस्ट्री पता नहीं है। और हमने अफगानों से नालंदा यूनिवर्सिटी से को जलाने वालों को जलाया है। और हमारे शिव स्वरूप परम योद्धा पृथ्वीराज चौहान भारत का अंतिम राजा राजतंत्रिक का राजा, उन्होंने काबुल में जाकर के मोहम्मद गौरी को मारे थे, और उस समय तलवार के बल पर सिंहासन ग्रहण किए थे। चार बांस चौबीस गजा अंगुल प्रमाण ताऊ पर चौहान है मत चूको चौहान। उस समय हम तलवार के जोर पर इस भारत की संस्कृति की रक्षा किए थे। आज के परिवेश में आइए, बीपी सिंह जब हमारा राजा बने, प्रधानमंत्री बने, तो छाता लेकर के अपने जात के लिए नहीं, नेपोटिज्म नहीं किए, वंशवाद से ऊपर उठ करके सबसे गरीब दलित हमारे पासवान रविदास मुरहर चमार गरीबती पिछड़ा नुनिया हजाम के लिए मंडल कमीशन लगाया था उन्होंने। आप इतना गुस्सा में कहे हैं? इसलिए कि हमारे नस में समाजवाद है, हमारे नस में साम्राज्यवाद नहीं समाजवाद है। हम जो है राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र के लिए मरते हैं और जीते हैं। हमारा धन हमारा नहीं है, पूरे देश का है। हमारा जान हमारा नहीं है, पूरे देश का है। हमारा राजनीतिक सत्ता हमारा नहीं है, जिसकी साक्षात उदाहरण विश्वनाथ प्रसाद सिंह जनता दल का जब सरकार था, उन्होंने मंडल कमीशन लगा करके बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को अगर क्रियान्वित किया तो वह बीबी सिंह हुए।
हमने कहाँ वंशवाद किया। और आइए हमारे मनरेगा मैन रघुवंश प्रसाद सिंह बने तो मनरेगा मैन बन करके घर घर जो है सड़क का अलौकिक दृश्य दृश्यावलोकन कराया है। हमारे नस नस में समाजवाद है, न कि हम जो है सामंतवाद। सामंतवाद तो आज के लोग है, आज का ये राजनीतिक दल है, ये आज का जो है कुछ दलित में सेना बना रहे हैं, कोई आर्मी बना रहे हैं। और बार बार एक ही बात माल जो आज से अंग्रेज ने डिवाइड एंड रूल किया था, ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ये यादव है। आप जाइए गूगल में सर्च करिए कि जो चवरवंशीय जो था क्षत्रिय थे, वहाँ से जो कंधार से भी आगे सऊदी अरब से लड़ते लड़ते उनको कहा कि ये तो बड़ा सवल है, इसको अछूत मानो। गहलौतिया राजपूत को अछूत बनाया वो फिरंगियों ने, वो औरंगजेब के बाप दादाओं ने, उन्होंने। आज तब बीच में जब अंग्रेज आया तो डिवाइड एंड रूल किया, अंग्रेजों ने छुआछूत करके ऐसे किया था, उसका ठिकरा हमरा पर फेर रहा। अच्छा, है एक बात बताइए, ठाकुर को मारने की बात की जा रही है, ठाकुर को मारना चाहिए, इस पे आप क्या सोचते हैं? ठाकुर के मतलब जानते हैं, हर घर घर में ठाकुर बारी है। ठाकुर बारी माने विष्णु जी, वहाँ पर श्री राम और कृष्ण जी ठाकुर है, उनके हम वंशज, इसलिए हम ठाकुर है, इसलिए ठाकुर है। इन लोगों को, कुछ लोगों को तर्पण इस चीज का है, भगवान राम भी ठाकुरबारी में है, कृष्ण ठाकुरबारी में, श्री कृष्ण भगवान वृंदावन में, यहाँ कहाँ से ठाकुर है। तो हम होंगे, हम भगवान के वंशज हैं, हम राम के वंशज हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं। और सुनिए, अगर हमारे यहाँ जात पात होती तो जितने भी दुर्गा जी का मंदिर है, बाबा सलेश का पहले पूजा होता, सलेश बाबा पासवान है। आप रसू भगत के नाम सुने होंगे, ठावे वाला माई के रसू भगत की पूजा होती है। आप संत रविदास के भी चलते थे, मनचंगा तो कठौती में गंगा जी को बुला लेते थे, हमने उनको माना है। वाल्मीकि रामायण, रामायण किसका लिखा हुआ है? एक शूद्र का लिखा हुआ रामायण को ये पंडित ब्राह्मण और उनको संरक्षण कर रहे हैं। अगर हम वंशवादी होते तो वाल्मीकि जी को रामायण नहीं लिखते, वाल्मीकि जी का लिखा हुआ जो भंगी है, वो भंगी जात से है, शूद्र है, और उनकी रामायण को हम पढ़ते हैं। और चलिए, श्रीमद् भागवत सूत जी का लिखा हुआ है, वो शूद्र है, उसको हम पढ़ते हैं। तो हम कहाँ सामंतवाद है बाबा, हम तो शूद्रों की लिखी हुई धर्म गाथाओं को गा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जातीय गणना हुई है, उसमें राजपूतों की संख्या बहुत कम आई हुई है, ठीक है, जितना आप लोग हैं ऐसा सरकार बता रही है, इतना ही आप लोग हैं। इतना कम होने के बावजूद ये भी बात कहा जा रही है कि सब पृथ्वी पे जितना जमीन लगभग है उसका अधिकतर हिस्सा राजपूतों के क्षत्रियों के पास, कैसे है? सुनिए, कैसे है? हमने मुगलों से लड़ा है, उससे छीना है, अंग्रेजों से लड़ा है। बाबू वीर कुंवर सिंह सन 57 में, लाइए तलवार, बाबू वीर कुंवर सिंह सन 57 में अंग्रेजों से लड़े थे। 80 वर्षों के हड्डी में डागा जोश पुराना था, बाबू वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर दाना था। हमने अंग्रेजों से छीना है, हमने मुगलों से छीना है, हमने अफगानों से छीना है, हमने सऊदी के आक्रमणकारियों से, मंगोलों से छीना है, और धरती गरीबों के लिए दान दिया है। हमने इसलिए हमारे पास ज्यादा जमीन है, सारा जमीन तो हमने उन्हीं से पास पर 100% हमारा है, लेकिन हमने 100% आपका है, 100 में 80% दान कर दिया, फिर भी हमको कहता है ठाकुरों ने क्या किया? क्या किया? बस यही किया ठाकुर को। और एक चीज है, ये एहसान फरामोश है, ये दोगले हैं ऐसे कहने वाले, सब नहीं जो ऐसा है, देश को तोड़ना चाहते हैं। अच्छा सुनिए, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब कहते थे, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, कहे थे ना। तो आज तो जो भीमराव अंबेडकर के ही जो लादले हैं वही जात पात कर रहे हैं, कहाँ बाबा भीमराव अंबेडकर को मान रहे हैं। जाति, आप जब जाति तोड़ना है तो इस जाति बनाने की क्या आवश्यकता है। और रही बात जनसंख्या कम का है, अनारक्षित वर्ग अगर एक जगह हो जाए, से मुसलमान में भी अनारक्षित है, शेख है, पैठान है, और दो और हैं, या ब्राह्मण है, भूमिहार है, राजपूत हैं, लाला जी हैं, सबकी जोड़ो ना, 15% है, दे दीजिए 15%, तो बड़ा तुम तेज है। तो अकेले जात वाला कहेगा कि हम 10% लेंगे, 15% लेंगे, 20% लेंगे, आ हमहूँ अनारक्षित है तो हमहूँ 15% लेंगे। अच्छा। चलो, कम कहाँ है जी। और रही बात,
तो इतिहास के पन्नों में देखिए, चवरवंशीय चमार हमारा है, गहलौतिया पासवान हमारा है, कुर्मवंशीय कुर्मी हमारा है, कुशवाहा हमारा है। हाँ चलिए, आप जो है रवानी कहार जो है चंद्रवंशी हमारा है, जोड़िए ना। अब ये लोग समझ गए हैं कि भगवान राम के वंशज है। राम बहुत सच्चे संगठन करता थे देश के निर्माण के लिए, राजपूत एक हो रहा है तो जानबूझ के वोट लेने के लिए निर्लज्ज घिनौने लोग इस तरह के कुकांड। अच्छा, आपका क्या मुख्य मांग क्या है इन लोगों से? मेरा मुख्य मांग है जात तोड़ो जमात जोड़ो। हाँ। और क्षत्रियों से भी हम ये कहना चाहेंगे कि जितने भी राम के वंशज है, राम की तरह रहो, गरीब दलित के पास जाओ, मुसहर माता के पास जाओ, रविदास माता के पास जाओ। और सुनिए, आप महाभारत कालीन में राजा उदीक्षित क्षत्रिय थे, उन्होंने यज्ञ किया और ब्राह्मण को भी बुलाया और सुपन भगत डोम को भी बुलाया, दोनों को खिलाया, तब घंटा डोला। तो उस समय जात पात हमारे पूर्वज, तो हम कैसे जात, ये जात पात बनाया है अंग्रेज लोग। अच्छा, अंग्रेज बना दिया जात पात। हाँ, वही ब्राह्मण राजपूत क्षत्रिय का आज ठिकरा हमारा बात पर फोड़ रहा है।